आज जो हमारी चैंपियनशिप थी 13 डिस्ट्रिक्ट जो चैंपियनशिप अनंतनाग 2024 वो कंक्लूड हुई 520 बच्चों के साथ। हमने ये इवेंट जो है कंक्लूड किया जिसमें हमारे 200 प्लस मेडलिस्ट थे जो आप सीधा स्टेट चैंपियनशिप खेलेंगे। इसके साथ साथ हमारा मतलब डिस्ट्रिक्ट वुशू एसोसिएशन अनंतनाग और FSLD फाइटर्स क्लब का दोनों का मकसद यही है कि हम बच्चों को ड्रग्स से दूर करें और उनको एक ज़िंदगी का नया पहलू दिखाएं, हंसता हुआ पहलू दिखाएं, एक ऐसा पहलू दिखाएं जहां वो अपनी ज़िंदगी रिस्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ एंजाइटी या आपका जो आजकल एंजाइटी अटैक्स बच्चों में आते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दूर रह के बच्चे मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नहीं हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए, हमारी तरफ से ये मैसेज ही ज़्यादा रहेगी कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं सो दैट बच्चा भी फिजिकली फिट रहे और जब फिजिकली फिट रहेगा तो ही बच्चा मेंटली फिट रहेगा। तो दिस इज़ माई मैसेज टू द यूथ एंड टू पेरेंट्स। इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे इवेंट करते रहेंगे और जितने भी बच्चे विलिंग हैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी बच्चे विलिंग हैं हमें ज्वाइन करने के लिए, FSLD को ज्वाइन करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट वुशू एसोसिएशन अनंतनाग को ज्वाइन करने के लिए, आप हमारे क्लब में आ सकते हैं जनरल बस स्टैंड अनंतनाग में। हमारा FSLD फाइटर्स क्लब आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। तो पहली बार ये चीज़ ओपनली बोलने का मौका मिल रहा है तो ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये बदकिस्मती है हमारे लिए कि अनंतनाग मेन टाउन के पास अभी तक हमारा इंडोर फैसिलिटी नहीं है। हमें बिजब्यारा आना पड़ता है, वहाँ से आधा घंटा दूर यहाँ इवेंट करना पड़ता है जहाँ हमें उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, फिर वहाँ से हमें कुछ चीज़ें यहाँ लानी पड़ती है। हमारे मेन टाउन में इतने बच्चे हैं, मेरे पास रेगुलरली 100 बच्चे हैं जो रोज़ ट्रेनिंग करते हैं, सुबह 3 घंटे शाम के 3 घंटे, और हम लोग 3 लाख रुपए साल का रेंट देते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है एक बड़ा ड्रॉबैक है कि यूथ को मतलब खुद की फिटनेस के लिए एक हमें रेंट दे के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल लेके आते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है ये हमारा इंटरनेशनल मेडल हो गया। मेन टाउन को एक इंडोर हॉल ज़रूरी होना चाहिए, एक इंडोर स्टेडियम ज़रूरी होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल सो दैट हमें भी कुछ फैसिलिटीज़ मिले और हम भी अपने टैलेंट को अनंतनाग को आगे लेके जा सकें। शुक्रिया।